हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशेट रिंग फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल नॉट लगाने के बाद ट्वेल्व चेन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। ट्वेल्व चेन कंप्लीट। फर्स्ट चेन में हमने हुक पास करवा के इसे हमने फर्स्ट लास्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। ये एक सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने थ्री चेन बनानी है, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन बनाने के बाद इसके अंदर हमने 23 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, और जब हम इसे फर्स्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये टोटल 24 हो जाएंगे। इस राउंड में इस सर्कल को कंप्लीट करना है हमने 23 डबल क्रोशे के साथ। सिंपल हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 23 कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको फर्स्ट जो हमने थ्री चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट करना है। इस तरह हमने उसकी चेन में से हुक पास करवानी है और यहाँ से यान को बाहर निकाल के इसके अंदर से निकाल के ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। ओके, अब इसे बाहर निकाल देना है, ठीक है, और इसे एक सर्कल इस तरह ठीक कर लेना। और अब ये एक्स्ट्रा है, इसे हमने अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो इस तरह एक दूसरे के अंदर डाल के कवर कर दें, ठीक है, और थोड़ी देर बाद इसे काट भी सकते हैं हम इस तरह, ठीक है। फ्रंट बैक करके पूरी चेन में से बाहर निकाल के और मोर एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम काट देंगे, ठीक है। ये एक सर्कल कंप्लीट। अब मैं सेकंड कलर यूज़ करने लगी हूँ, वो इससे थोड़ा सा लाइट शेड में है। आप सेम कलर में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह ही स्टार्ट में हमने नॉट लगानी है और नॉट लगाने के बाद इसमें 12 चेन बनानी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ट्वेल्व चेन बना के अब हमने इस सर्कल की ये जो फ्रंट साइड है इसके अंदर से इसको पास करवाना है इस तरह, ठीक है, और इधर हमने इसको फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। ओके, इस तरह। अब यहाँ पर हमने थ्री चेन बनानी है सेम, और इसी ये जो पिंक लाइट पिंक कलर हमने यूज़ किया है इसके अंदर हमने 23 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर हमने 23 टाइम डबल क्रोशिया बना के इसे भी सर्कल में कंप्लीट कर लेते हैं। ट्वेंटी थ्री डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब हमने इसे फर्स्ट के साथ फर्स्ट चेन जो है उसके साथ कनेक्ट कर देना है इस तरह स्लिप स्टिच से, ठीक है, और एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे और उसे भी उसी तरह बाहर लाके इसे हमने कवर करना है। और यहाँ पर इसे काट देंगे और ये इस तरह एक सर्कल
में दूसरा सर्कल हमारा कंप्लीट। अब थर्ड सर्कल बनाने के लिए फिर से मैं ये वाला पिंक कलर यूज़ करूँगी। थर्ड रिंग के लिए सेम हमने उसी तरह चेन से स्टार्ट करना है, 12 चेन बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 कंप्लीट। अब हमने इसका ये वाली बैक साइड होगी और ये वाली फ्रंट साइड, इसको हमने ध्यान में रखते हुए इसके फ्रंट साइड पर ही इसको एंटर करना है और इसकी फर्स्ट चेन के साथ इसको कनेक्ट कर देना। यहाँ पर ये फर्स्ट चेन इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे स्लिप स्टिच से, और यहाँ पर 3 चेन 1, 2 and 3 चेन बनाने के बाद इसमें भी 23 टाइम डबल क्रोशिया और लास्ट में सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये अगर आप बीच में कवर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे थोड़ी काट सकते हैं। यहाँ पर 23 डबल क्रोशिया कंप्लीट है, इसे फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर देना है स्लिप स्टिच से और एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और इसे उसी तरह अंदर कवर कर देते हैं। थर्ड राउंड भी कंप्लीट है। अब फोर के लिए मैं दोबारा लाइट कलर यूज़ करूँगी और उसी तरह हमने यहाँ पर 12 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 बनानी थी। 12 चेन बनाने के बाद इसे हमने यहाँ पर पिंक में ऐड करके फर्स्ट के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है और 3 चेन से स्टार्ट करना है, 1, 2 and 3 3 चेन बनाने के बाद इसी सर्कल में हमने 23 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और सेम पैटर्न से चलेंगे तो हमारे सर्कल सेम साइज़ के बनेंगे। अगर हमारा हाथ थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो ये सर्कल भी छोटे बड़े बन सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम 23 कंप्लीट कर लेते हैं, 23 कंप्लीट और इसे फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। ये 4 रिंग हमारी कंप्लीट है। यहाँ इसमें मैंने टोटल 7 रिंग्स यूज़ किए थे, बाकी 3 रिंग्स मैं बना लेती हूँ। हमारे 7 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सर्कल कंप्लीट। अब हमने निडल लेनी है, बड़ी ले लें या मिडल साइज निडल, जिस मर्जी साइज़ की लेके आपने इसे टर्न करना स्टार्ट करना है। यहाँ से इसे इस तरह राउंड शेप में हमने बराबर इनको इक्वल रख के टर्न करना है। ये ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होने चाहिए, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसे बाद में ठीक कर लेंगे। अब बैक से हमने यहाँ पर नीडल को पास करवा के सबको पकड़ना है, सबको साथ लेके चलेंगे ताकि कोई बीच में रह ना जाए। स्टार्ट में गिरा के लिए थोड़ा सा रहने देते हैं। ओके, सब 7 रिंग्स के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। आप यान के साथ भी इसे स्टिच कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नीडल दूसरी थी तो मैंने इसी के साथ ही स्टिच कर लिया है। ओके, ये हमारा स्टिच हो गया है। अब हम नॉट लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा धागा काट देते हैं।
ये हमारा फ्लावर रेडी है। हमने इसे थोड़ा सा इस तरह सेट कर लेना है। ओके, रिंग फ्लावर लीव्स के साथ आप इसको अटैच कर दें और ये हमारा फ्लावर रेडी है। ओके, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।